हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार, लाखों की संख्या में बीएड पास, डीएलएड पास, पीटीसी पास, यूपीटेट, सीटेट पास छात्रों को है। और इसी क्रम में शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट मिलने वाली है कि कितनी सीटों पर भर्ती होगी और कब तक आपको भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, क्योंकि उस पे हिसाब से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये सभी चीजें आप समझ सकेंगे। आकाश शुक्ला है डीएलएड के, इनको आप सभी जानते होंगे कि जब ये धरना चल रहा था तब इनका काफी ज्यादा योगदान रहा था और इन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से अपडेट कर दिया है कि 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर पहली कैबिनेट में मोहर लग सकती है। जी हाँ, और ये जो न्यूज है 17,000 पदों को लेकर, ये लगातार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताई गई है और छात्रों ने जब अधिकारियों से वार्ता की तब भी ये चीजें निकलकर आ रही है, इसीलिए इन्होंने पोस्ट के माध्यम से अभी फिर से अपडेट किया है। जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी सरकार का गठन होने के बाद, उसमें सबसे पहले जो है वो 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर मोहर लगना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि इसकी घोषणा सरकार ने पहले ही की थी और उसी के चलते 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। तो इस भर्ती की विज्ञापन की हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।